चलो प्रभु चलो प्रभु सभी लोग आ जाओ मालिक फटाफट जल्दी से और चालू करेंगे आज के दिन कुछ अच्छा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग मालिक कैसे हो आप लोग क्या चल रहा है आज आपके सामने सभी के सामने एक बहुत अच्छी चीज पेश करने जा रहा हूं आपकी बुक सीए इंटर की बुक आ चुकी है सीए इंटर की बुक फाइनली आपके सामने है और बस इसका साइज भी आप देख सकते हो इट्स द टेंथ एडिशन ये बुक आ चुकी है और आज से हम लोग इसे डिस्पैच करना शुरू करेंगे जितने लोगों ने पेन ड्राइव के ऑर्डर्स किए होंगे गूगल ड्राइव के ऑर्डर्स किए होंगे आज से हम लोग इसको लेना चालू करेंगे बहुत ही शानदार है मतलब आप बुक को पकड़ोगे ना बुक को पकड़ते ही आपको मजा आ जाएगा एक तो ज़बरदस्त कवर करा है इसको जानबूझ करके अपने प्रोफेशनल कलर्स करे हुए हैं यहाँ पे टिक्स लगाए हुए हैं बुक्स को अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये मल्टी कलर बुक है हर चैप्टर बिल्कुल अलग अलग कलर से है मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे पीजीबीपी यहाँ पे जामुनी कलर का आएगा आपको पर्पल कलर का आएगा डिडक्शन आपको कुछ अलग कलर के मिलेंगे हर चैप्टर को एक अलग कलर की थीम दी है वो इसलिए दी है कि यार लाइफ थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है तो थोड़ा सा ऐसा आ, बुक अलग कलर में रहे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा बुक काफी इंटरेक्टिव रखी गई है इंटरेक्टिव मतलब जगह जगह पे आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर रखेंगे इसके अंदर में कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी डाले हुए हैं जो नया सेक्शन आया 115 बी ए सी चैप्टर वाइज उसका क्या इंपैक्ट हुआ है जो नया सेक्शन आया है अल्टरनेटिव टैक्स कैलकुलेशन का हालांकि अब तक हमने उसे पढ़ा नहीं है बट अल्टरनेटिवली कि किस तरीके से उसका इंपैक्ट अलग अलग चैप्टर में आया है वो रखा है कुछ सॉल्व क्वेश्चन रखे हुए हैं उस अल्टरनेटिव को ध्यान में रखते हुए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को रखा गया है जो नए मॉड्यूल आए हैं उसको भी पूरा का पूरा एनालाइज किया है उसमें कहीं जगह जो अप्रोप्रिएट चेंजेस थे वो इसके अंदर में रखे गए हैं एंड साहब फाइनेंस एक्ट 2020 दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए यही बुक है चाहे बच्चा मे जून 21 दे रहा हो या नवंबर दिसंबर 21 दे रहा हो ये बुक आपको ध्यान रखनी है सो दिस इज द रेगुलर बुक एंड मलिक क्या सिर्फ बुक्स मिल सकती है आंसर इज यस हम इसका बुक सेल भी ओपन कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम इसका सिर्फ बुक सेल भी ओपन कर रहे हैं लेकिन जो बच्चा सिर्फ बुक्स लेने वाला है इस बात को ध्यान रखिएगा इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन है अनसोल्व क्वेश्चन के आंसर में क्लास में ही सोल्व करवाने वाला हूं तो इस बात का ध्यान रखना अदरवाइज प्रोविजन सारी की सारी कवर है उसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सो आई डेडिकेट दिस बुक टू ईच एंड एवरी वन इज डूइंग दिस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दिस बुक इज अ बुक फॉर सी ए इंटर सी एम ए इंटर वाले भी इसे ले सकते हैं सी एस एग्जीक्यूटिव वाले भी इसे ले सकते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स ये सोनो मालिक सो so, मुझे बड़ा अच्छा फील आ रहा है और आ, आपको आती है या नहीं पता नहीं बट मुझे नए बुक की जो स्मेल है ना ये बहुत पसंद आती है और थोड़ा जब फ्रेश बुक होती है मस्त कलर हो डिजाइन हो इस बुक के अंदर में रेड कलर का मीनिंग होगा अमेंडमेंट ग्रीन कलर का मीनिंग होगा इंपॉर्टेंट ब्लैक होगा हेडिंग सॉरी ब्लैक होगा जनरल प्रोविजन एंड ब्लू होगा हेडिंग तो इस तरीके से इसका कलर कोड भी डिजाइन करके रखा हुआ है इनफैक्ट अगर आप देखोगे इस बुक को अगर आप थोड़ा सा भी देख पाएंगे इस बुक को तो बिल्कुल आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर में जगह जगह पे बैरक प्रोविजन रखे गए हैं यू नो you know, चीजें पॉइंटर्स में डाले हैं टेबल्स के अंदर में डाला गया है सिस्टमैटिक तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है आपको ऐसा लगेगा एज गुड एज आप अपना खुद का रजिस्टर लिख रहे हो तारीफ करनी बनती है क्योंकि सच में इस बुक के ऊपर बहुत मेहनत की है पिछली इंटर के मुकाबले इस बुक का कंटेंट बड़ा है आई रिपीट पिछली बुक के मुकाबले इसका कंटेंट बड़ा है इस बुक का साइज बड़ा है सर कहां है? पहली बात तो अमेंडमेंट्स है दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर में में कुछ चैप्टर्स के अंदर कंटेंट रियली इंक्रीज किया हुआ है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है चीजों को ध्यान में रखते हुए और यस इस तरीके से वो बुक का साइज थोड़ा सा बड़ा है पिछले मुकाबले के पिछली बुक के मुकाबले में राइट बाकी मजा बहुत आएगा और मुझे जरूर बताना जब आपके पास जैसे आज हम लोग ये देने वाले हैं अच्छा जो बुक सिर्फ कॉस्ट बुक परचेज करने वाला है ध्यान से सुनिए जो सिर्फ बुक परचेज करने वाला है हम पहले बुक उन बच्चों को अलॉट करने वाले हैं जो पेनड्राइव गूगल ड्राइव के थ्रू जिन्होंने ली है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हम पहले उनको दे देंगे लेकिन जो बुक ऑर्डर कर रहे हैं उनकी भी बुक हम लोग साथ साथ में डिलीवर करेंगे ये सोनो मालिक तो ये ज़रूर है कि आपको पढ़ के मजा आएगा और जब भी बुक आपके पास पहुंचे या जब भी आप ये लेक्चर देकर और आपके पास बुक पहुंचे मुझे ज़रूर बताना आपको बुक कैसे लगी राइट right? सामने सारी चीज़ें दी हुई है अच्छा लगता है जब कोई नई बुक आती है आपने उसके ऊपर बहुत मेहनत करी हो तो तो चलिए मालिक चालू करते हैं फिर से तो एनी आपको जब भी ये एक अच्छा मटेरियल पहुंच जाए बताइएगा मुझे चलिए सब स्टार्ट करते हैं हम लोग कहा थे हम लोग थे रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्या तुम है याद है अच्छा एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा है सर ऑनलाइन पीडीएफ बुक्स मिल सकता है क्या आंसर इज नो ऑनलाइन पीडीएफ ये बुक्स नहीं मिल सकती ये सिर्फ हार्ड बाउंड में ही अवेलेबल है इसका पीडीएफ वर्जन अवेलेबल नहीं है चलिए सर जीएसटी कब शुरू होगा इसके बारे में आज पहले डाउट सेशन करना है क्या पहले वो कर लेते फिर जीएसटी का सेशन मैं विशाल सर से पूछ के आपको कंफर्म कर देता हूं बट मेरे हिसाब से जे सर का आई थिंक सेशन एंड होने आ रहा है उसी टाइम पे विशाल सर आने वाले हैं ठीक है सर इसके अलावा एनीथिंग एल्स ओके सो अस फोकस प्रभु सर लाइव एंड जीडी वालों का भी बता दो क्या बताओ उसके लिए सर कब तक यूट्यूब पे लेक्चर है जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा है मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस तक के अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स हम लोगों ने पूरा कर दिया रेसिडेंशियल स्टेटस हमने पूरा कर दिया इसके बाद के जो भी लेक्चर होंगे ये एनक्रिप्टेड होंगे या वी स्मार्ट के लाइव स्ट्रीम के ऊपर होंगे आज मैंने लाइव स्ट्रीम को करके देखा मुझे इनिशियली तो सक्सेस मिला है बट जितने बच्चे लाइव स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि कई बच्चे कल बोल रहे थे कि सर हम लाइव स्ट्रीम में जुड़ना चाहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव स्ट्रीम में अगर आप जुड़ना चाहोगे तो बट उसके लिए हम फिर वेबसाइट पर वैसी ओपनिंग रख देंगे जो आज शायद लिस्टिंग आप अपडेट कर देंगे कि कोई भी बच्चा जो लाइव स्ट्रीम में आ रहा है वो लाइव स्ट्रीम का सिलेक्ट करके फीस भर के वो लाइव स्ट्रीम के अंदर में आ सकता है क्योंकि लाइव स्ट्रीम तब तक नहीं चल सकती जब तक कि आपके पास कीज अवेलेबल ना हो पर लाइव स्ट्रीम में आने का एक मजा यह है कि हम साथ साथ में रहेंगे आमने सामने रहेंगे जैसे हम यूट्यूब पे आमने सामने रह करके पढ़ाई करके मस्ती कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से लाइव स्ट्रीम पे भी हो जाएगा तो हमारी मस्तियां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी यस yes. सर लाइव स्ट्रीम कौन से डे से होगा लाइव स्ट्रीम रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म होने के बाद होगा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म होने को अभी आप ये समझ लीजिए टेंटेटिवली तीन से चार दिन है तो कहीं पे भी, भी आप मान के चलिए दस तारीख को अपन एक एवरेज पकड़ते हैं कि दस तारीख से अपन लाइव स्ट्रीम करेंगे ठीक है उसके पहले रहा तो मैं आपको पहले कम्युनिकेट करूंगा बाद में रहा तो अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करूंगा फॉर दिस टाइम ये है सर इन ऑल कितने चैप्टर्स है और सिलेबस कितना है मैं आपको बता दूं ये सिक्सटी मार्क का ही सिलेबस है लेकिन इसके लिए सिक्सटीन टॉपिक्स है टॉपिक्स है सिक्सटी मार्क्स के लिए यस ओ नो तो बस इतना ही बड़ा है सर वीक में कितने दिन होगा जय कैसी बातें कर रहे हो यार तुम मेरे साथ अभी दो हफ्ते से हो जय हर दिन होने वाला है लेक्चर संडे के दिन भी हाँ संडे के दिन भी होने वाला है चलो प्रभु स्टार्ट करें मैं कुछ रिवाइज करवा देता हूं कहां है हम रेसिडेंशियल स्टेटस पे हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या किया हमने सबसे पहले सिक्स के पूरे सेक्शन पढ़े सिक्स वन सिक्स टू सिक्स जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा रिवाइज करवा रहा हूं एवरीबॉडी अपना रजिस्टर खोलने का ध्यान देने का 100% आई होप जिन जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया होगा उन लोगों के लिए मैंने नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम के ऊपर डाला हुआ है ईमानदारी से तुमने निकाल दिया होगा पूरी उम्मीद करता हूं आगे बढ़ते हैं सर सर सबसे बड़ी बात हम लोगों ने क्या किया था हमने सबसे पहले बात किया था रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन सिक्स वन की सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर उसके बाद हम सेक्शन फाइव पे पहुंचे सेक्शन फाइव पे आर ओ आर आर एनओ आर एनआर इंडियन इनकम फॉरेन इनकम हम इंडियन इनकम को ढूंढने निकले हम कहाँ निकले इंडियन इनकम को ढूंढने निकले इंडियन इनकम को ढूंढने निकले तो हमें चार व्यक्ति मिले रिसीव्ड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया डीम टू अइज इन इंडिया ये रिसीव्ड इन इंडिया मतलब पैसा इंडिया में मिला तो हंड्रेड परसेंट इंडिया में टैक्सेबल है डीम टू बिसीवड इन इंडिया सेक्शन सेवन एंड एट के अंदर में लिखा हुआ है सेक्शन सेवन कहता है चार चीजें डीम टू बी रिसीड इन इंडिया मान जाएगी कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड नाइन पॉइंट फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यन टू पेंशन फंड अंडर एटीसीडी एंड यू आरपीएफ टू आरपीएफ ये मान किया जाएगा कि यह पैसा आपको इंडिया में मिला है अब यह पैसा कहीं पर भी मिला हो एक्चुअली पर्यट एक्सेबिलिटी इंडिया में आ जाएगी इंडियन इनकम बोल के सेक्शन आठ डिविडेंट इनकम इंट्रीम हो या फाइनल हो यह इंडियन इनकम मानी जाएगी इस बात का प्रूफ सेक्शन नाइन भी देता है डीम टू अक्रूव अराइज इन इंडिया अगर प्रॉपर्टी या सर्विसेज इंडिया में है इनकम अक्रू यहां हो रही है डे टू डे बेसिस पे तो ये टैक्सीबिलिटी इंडिया में आएगी डीम टू बी रिसीव इन इंडिया के लिए हम लोगों ने सेक्शन नाइन पढ़ना शुरू किया

मालिक ठीक है दूसरी बात दूसरी बात सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीजन को क्या करती है पेमेंट करती है आउटसाइड इंडिया सैलरी पेमेंट करती है आउटसाइड इंडिया दैट अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया तीसरा डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी द्वारा डिविडेंड दिया गया या इंडिया में दिया गया आउट ऑफ इंडिया दिया गया हंड्रेड परसेंट टैक्सेबल इन इंडिया फोर्थ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन अगर गवर्नमेंट रेसिडेंट सिटीजन या नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट दे रहा है इंडिया से किसको दूसरे नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया में ये इंटरेस्ट इंडिया में क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा फिर हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम रॉयल्टी रॉयल्टी पेमेंट अगर किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किसी रेसिडेंट इंडियन द्वारा या नॉन रेसिडेंट इंडियन द्वारा जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है

अगर लोअर रेट नहीं कर रहा मैं भी लोअर रेट नहीं करूंगा मैं इसको रॉयल्टी नहीं मानूंगा रॉयल्टी नहीं मानने से फर्क क्या पड़ा जनरली रॉयल्टी 10 परसेंट पर टैक्सेबल होती है अब अगर हम इसे रॉयल्टी नहीं मानेंगे तो ये फॉरेन इनकम हो जाएगी और फॉरेन कंपनीज के हाथ में 40 परसेंट से टैक्स हो जाएगी इससे क्या फायदा हो सकता है हो सकता है अगले दो सालों के अंदर में इंटरनेशनल टैक्स लॉ बदले और बॉलीवुड की मूवीज के लिए वहां लोअर रेट ऑफ टैक्स कर दिया जाए तो शायद हम दो तीन साल बाद यहां पर भी अपने टैक्स रेट लोअर रख लेंगे ये सोनो मालिक ओके okay. तो यहां तक की बातें हम लोगों ने करी थी अब तक यहां तक सबको समझ में आया रिवाइज हुआ सब लोग पढ़ के आए हां या ना बताइए उस हिसाब से आगे बढ़ता हूं जल्दी से बताओ समझ में आया सभी को यहां तक के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन फोर तक के पढ़ाया था और बोला था बेटा पढ़ के आना लॉ की लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है मैं तीसरी चौथी बार ऑलमोस्ट यही पॉइंट रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि बच्चा ये टेक्निकल बात है बहुत ज्यादा उसने आज तक नॉन रेसिडेंट का मैटर देखा नहीं है तो समझने में टाइम लग सकता है कोई बात नहीं बेटा तुम्हें समझ में आया यही मेरे लिए बहुत है डन प्रभु वेरी गुड मेरे बच्चे वेरी गुड आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ जाऊं मालिक एक्सप्लेनेशन फाइव पे बढ़ जाऊं मैं सभी लोग पृष्ठ क्रमांक नोट्स इसके लिए बड़े जरूरी है टेलीग्राम से नोट्स निकाल के रखना पेज नंबर के ऊपर आइए एक्सप्लेनेशन के ऊपर आ जाइए एक्सप्लेनेशन <coughs> चार तक के हम लोगों ने पढ़ लिया था लिखने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ये वो नहीं दिए जितना पॉइंट लिखाना था मैं उतना पॉइंट आपको लिखा रहा हूं एक्सप्लेनेशन फाइव फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट रॉयल्टी इंक्लूड एक्सप्लेनेशन पांच एड हुआ रॉयल्टी इंक्लूड एंड हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन वेदर और नॉट पजेशन और कंट्रोल ऑफ सच राइट प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इज विद दियर सच राइट प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इज यूज डायरेक्टली बाय द पेयर लोकेशन ऑफ सच राइट प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इज इन इंडिया अब जरा समझिए यह क्या मीनिंग था सर कई बार ऐसा होता था कि राइट्स एंड अदर चीजें इंडिया में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन डेटा इंडिया में अवेलेबल है छोटा सा एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल इसको समझने के लिए ना आपके पास इंटरनेशनल टैक्स होना बहुत जरूरी है जब सीए फाइनल में आओगे मेरे साथ इंटरनेशनल टैक्स पढ़ोगे बेहतरीन मजा आ जाएगा बट यहां पे भी मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूं ताकि आपको मजा जरूर आ जाए पॉइंट आपका मिस ना हो अंडरस्टैंड एमेजॉन एमेजॉन इंडिया में आना चाहता है बराबर है अब वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो यू नो हेंडीक्राफ्ट के अंदर में बहुत ज्यादा एंगेज हो हैंडीक्राफ्ट के अंदर में बहुत ज्यादा एंगेज हो या फिर हैंडीक्राफ्ट इन्हें पसंद है और ये जनरली हैंडीक्राफ्ट के बायर है वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है क्यों ढूंढ रहा है ताकि उन लोगों को हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कुछ ऑफर दे उन लोगों को हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट सेल करे इसे डेटा इंटेलिजेंस भी कहा जाता है ई की भाषा में जहां पे क्या करता है कभी आपने सोचा है अमेजोन इतने जल्दी आपको डिलीवरी कैसे दे देता है क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं अमेजोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो क्या करता है ये देखता है कि एस ये या पर्सन ये चीज सर्च कर रहा है तो जो भी आपका नियरेस्ट गोडाउन होता है अमेजॉन उस प्रोडक्ट को वहां पहुंचा देता है और आपको सर्वे के हिसाब से बता दू दस में से आठ लोग जो इसके पहले वो प्रोडक्ट देख चुके हैं उसे बाय कर लेते हैं और दो ही बार ऐसा होता है कि अमेजोन को उस चीज का लॉस होता है भले ही वो प्रोडक्ट उसने वहां पर रख दिया हो इस चीज के लिए अब इसी के तहत क्या होता है अमेजॉन ढूंढता है कि इंडिया में कितने लोगों ने हैंडीक्राफ्ट गुड्स लिए हैं किसी पर्टिकुलर एस से उसको ये डेटा चाहिए बराबर या उसको ये डेटा चाहिए कि लेट से पुणे में कितना बड़ा क्राउड है जो मॉल में शॉपिंग करता है अब अगर आपने कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा आप मॉल में आपका नंबर लिया 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 जाता 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 है 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 और क्या लिया जाता है? नेम लिया जाता है। आपकी डिटेल्स ली जाती है ये डिटेल्स कई कंपनीज होती है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है वो इंफॉर्मेशन को रखती है बाद में इंडियन कंपनी क्या करती है ये इंफॉर्मेशन को किसको बेचती है एमेजॉन को बेचती है एमेजॉन को बेचती है ठीक उसी तरीके से अब यहां पे इनकम किसने कमाई इंडियन इनकम इंडिया कंपनी ने कमाई इंडियन इनकम ने कमाई है डेफिनेटली टैक्सेबल एट द सेम टाइम इंडियन इंडियन कंपनीज कंपनीज भी भी जो है out of India जाती है है ये आउट आउट ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया जाती जाती जरा ध्यान से सुनना भी कई बार out of India जाती है, और सेम वे में वहां की कोई डेटा कंपनी से क्या करती है इंफॉर्मेशन मांगती है वहां की किसी डेटा कंपनी से क्या मांगती है इंफॉर्मेशन मांगती है ये इंफॉर्मेशन के लिए क्या पे किया जाता है पैसा पे किया जाता है क्या इसे रॉयल्टी कहा जा सकता है आंसर इज यस

ऐसा हो सकता है कि वो ये डेटा के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो सामने वाली कंपनी आपने बोला मैं भी एक अमाउंट देता हूं मुझे भी डेटा दे हम दोनों मिलकर शेयर करेंगे इसके लिए भी कोई पेमेंट किया आपने तो ये रॉयल्टी बोल करके टैक्सेबल होगा लोकेशन ऑफ सच राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज इन इंडिया अगर मान लीजिए उस फॉरन कंपनी ने डेटा इंडिया में रखा हुआ है लेट्स उस फॉरन कंपनी से कितने लोगों ने सर्विसेज ली एक इंडियन कंपनी लेट से जियो चाहती है कि जितने लोगों ने सर्विसेज ली हम इनको भी मार्केट करें ऐसे केस में जियो को इंफॉर्मेशन चाहिए होगी यह इंफॉर्मेशन लेने के लिए जियो पेमेंट करेगा यह पेमेंट भी रॉयल्टी आएगी तो इन शॉर्ट रॉयल्टी की डेफिनेशन में यह भी पार्ट आएगा दैट द पोजेशन राइट कंट्रोल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन राइट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज डायरेक्टली बाय पेयर और लोकेशन ऑफ सच राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज इन इंडिया इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए भी अगर कोई पेमेंट किया गया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी कोई पेमेंट किया गया तो इसे आप रॉयल्टी पेमेंट ही कहोगे बड़े सिंपल शब्दों में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी अगर कोई पेमेंट किया गया तो इसे आप रॉयल्टी ही कंसिडर करोगे सो so, इसे शॉर्ट में अगर लिखना है पेमेंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑबटेन्ड इज कंसिडर्ड एज रॉयल्टी एक्सप्लेनेशन सिक्स रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हर बायरिफाइड दैट द प्रोसेस इंक्लूड एंड शेड डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड ट्रांसमिशन बाई सेटेलाइट इंक्लूडिंग अपलिंकिंग एम्पलीफिकेशन कन्वर्जन ऑफ डाउन डाउन लिंकिंग ऑफ एनी सिग्नल केबल ऑप्टिक फायर और एनी अदर सिमिलर टेक्नोलॉजी वेदर और नॉट सच प्रोसेस इज सीक्रेट ये बातें ना आपको सच में सीखनी चाहिए बड़े मजेदार है आई ए एस एक्सप्लेनेशन सिक्स को आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूं कभी सोचा इंटरनेट वर्क कैसे करता है कभी दिमाग में एक वाइल्ड थॉट आया इंटरनेट वर्क कैसे करता है हाउ इंटरनेट कनेक्ट जबकि वो दिखता ही नहीं कभी सोचा आपने अब मैं आपको बताता हूं ये वर्क कैसे करता है सुनिए मान लीजिए आपका कोई दुबई के अंदर में बैठा है और आप इंडिया के अंदर में बैठे हो आप एक ईमेल सेंड करते हो कैसे ये सामने तक के पहुंच जाता है कभी सोचा कि कैसे उड़के जा रहा है कौन लेके जा रहा है आखिर ये प्रोसेस वर्क कैसे कर रही है मैं आपको बताऊंगा ये प्रोसेस वर्क कैसे करती है समझ लीजिए दुबई के अंदर में दुबई के अंदर में एक ऑप्टिक केबल ऑपरेटर होता है ऑप्टिक केबल ऑपरेटर होता है इंडिया के अंदर में एज ऑफ नाउ दो ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं एक तो रिलायंस जियो और दूसरा टीसीएस पता है आपको इंडिया और दुबई को कैसे जोड़ा जाता है बड़े ऑप्टिक फाइबर केबल होते हैं जिसे समुद्र के तहत जोड़ा जाता है समुद्र के अंदर में केबलिंग की जाती है टीसीएस इंडिया में पहले से कर रहा था जियो ने जो फाइबर ऑप्टिक लाया है ना उसका यही मतलब है क्या किया जाता है ये जो फॉरेन वाला व्यक्ति है बराबर है जियो यहां से एक फाइबर ऑप्टिक डालेगा किसके अंदर समुद्र के अंदर में इतने बड़े फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं समुद्र के अंदर में डाले जाते हैं और और क्या किया जाता है इस फाइबर ऑप्टिक को डालने के बाद इन्हें एक सर्विस चार्जेस पे किए जाते हैं ठीक उसी तरह जो दुबई वाली कंपनी होती है इनको यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है ये इनको यहां पे करते हैं एक चार्जेस और इस तरीके से दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं मेन सर्वर्स और वहां से अलग, अलग 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 सिस्टम्स के अंदर में जाते हैं अब पॉइंट को सोच के देखिएगा अब इस पॉइंट को सोच के देखिएगा कि ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं जस्ट ओके So, ये जो पेमेंट अब आप कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं पता है इसे भी हम कहेंगे रॉयल्टी अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है किसके लिए सैटेलाइट के लिए आपको पता होगा आपको पता होगा कि इंडिया के इसरो से पहले कई बार सैटेलाइट हम लोग कहीं और से छोड़ते हैं तो इस सैटेलाइट्स के लिए जो पेमेंट किए जा रहे हैं ऑप्टिक फाइबर्स के लिए जो पेमेंट किए जा रहे हैं इन सभी को हम कहते हैं रॉयल्टी इंटरनेट समझ में आया कैसे वर्क करता है कभी YouTube पे भी डाल के देखेगा यही सेम इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी यही इंफॉर्मेशन होती है कि इनको क्या पे किया जाता है एक अमाउंट पे किया जाता है ये जो अमाउंट होता है इसे इसे भी हम क्या कहेंगे रॉयल्टी अब वापस से पढ़ना पूरे वर्ड समझ आएंगे फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोसेस इंक्लूड एंड शेल ऑलवेज इंक्लूडेड ट्रांसमिशन बाय सैटेलाइट मान लीजिए सैटेलाइट ट्रांसमिशन के थ्रू फॉर एग्जाम्पल सेटमैक्स इसका एक और एग्जाम्पल समझिए आउट ऑफ इंडिया अगर आप कभी गए होंगे अपने परिवार वालों के साथ तो वहां जाकर के भी होटल वगैरह में टीवी होता है फॉर द टाइम आप टीवी चालू करते हो वहां की लैंग्वेज तो समझ में आएगी नहीं फिर आप सोचते हो कि चलो यार यहां पे हमारा ही सेटमैक्स देखा जाए ये सो नो तो ऐसे केसेस में क्या होता है आपको फॉरेन के अंदर भी इंडियन चैनल्स दिखते हैं कैसे दिखता होगा इंडियन चैनल्स फॉरेन में सेटेलाइट ऑपरेटर को पेमेंट करते हैं अब इंडियन चैनल जो फॉरेन ऑपरेटर्स को पेमेंट कर रहे हैं ताकि लोग वहां पे भी इसे देखें वॉट इज दैट दिस पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल्टी तो ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन बाय सेटेलाइट केबल ऑप्टिक फाइबर और एनी अदर सिमिलर टेक्नोलॉजी वेदर और नॉट सच प्रोसेस इज सीक्रेट वेदर और नॉट सच प्रोसेस इज सीक्रेट इसे भी हम क्या कहेंगे रॉयल्टी ही कहेंगे सो यहां लिखिए रॉयल्टी इंक्लूड्स पेमेंट फॉर सैटेलाइट, केबल फाइबर एटसेट्रा इनके लिए भी कोई पेमेंट किया होगा इसे हम रॉयल्टी कहेंगे इनके लिए भी कोई पेमेंट किया होगा इसे हम क्या कहेंगे बेटा रॉयल्टी ही कहेंगे डन मालिक तो यहां हमारा रॉयल्टी भी खत्म होता है सर ये क्या लास्ट के दो पॉइंट हमें लिखने हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए जो पेमेंट किया गया उसे भी रॉयल्टी कहते हैं और सैटेलाइट के लिए जो पेमेंट किया इसे रॉयल्टी कहते लिखने की जरूरत नहीं है ये काफी है। काफी है 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 इसे लिखने की जरूरत नहीं ना जनरली इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सो डोंट वरी अबाउट दैट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा नेक्स्ट पॉइंट था फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आ जाओ सभी लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं एफ कहा जाता है इसे इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है एफ टी एस कहा जाता है डन मालिक आओ आई गेस फिफ्थ पॉइंट वॉज रॉयल्टी सिक्स पॉइंट एफ टी एस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस सर कई बार टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में दी जाती है और इस टेक्निकल सर्विसेज को देने के लिए क्या किया जाता है नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया जाता है छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आज 5G नेटवर्क की अगर बात किया जाए तो 5G नेटवर्क एज ऑफ नाउ इंडिया में नहीं है हालांकि तैयारी पूरी है जियो रेडी है फाइव के साथ 5G मोबाइल इंडिया में बिकना चालू हो चुके हैं लेकिन 5G स्पेक्ट्रम्स एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर में नहीं है 5G से रिलेटेड टावर्स और उसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो अब तक इंडिया के अंदर में नहीं है तो ऐसे के इसमें क्या किया जाता है अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जियो इज वन ऑफ द कंपनी एयरटेल इज वन ऑफ द कंपनी जो क्या करना चाहती है 5G लेना चाहती है लेकिन इस फाइव जी के लाने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए ये टेक्निकल नॉलेज जियो और एयरटेल के पास एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेंगे ये किसी नॉन रेसिडेंट को क्या करेंगे पेमेंट करेंगे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए वो नॉन रेसिडेंट इन्हें क्या प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपने लेबर भेजेगा टेक्नोलॉजीज भेजेगा इसे कैसे वर्क करना है इसे कैसे इंस्टॉल करना है कैसे इसके ऊपर वर्क करना है इसके लिए एक चार्जेस पे किए जाएंगे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ये जो फीस है ये कौन अर्न कर रहा है नॉन रेसिडेंट अर्न कर रहा है ये जो फीस है ये कौन अर्न कर रहा है नॉन रेसिडेंट अर्न कर रहा है कहां से अर्न कर रहा है इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करके कर रहा है इंडिया से अगर एफटीएस आया है इट इज टैक्सेबल टू सच नॉन रेसिडेंट इंडिया से अगर एफटीएस आया तो दिस एफटीएस इज टैक्सेबल टू नॉन रेसिडेंट डन मलिक एवरीबडी अच्छा ये एफ कौन दे सकता है कई बार गवर्नमेंट कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आना चाहती है गवर्नमेंट पेमेंट करती है रेसिडेंट पे कर सकता है नॉन रेसिडेंट को विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज इन इंडिया हो सकता है कोई नॉन रेसिडेंट है दूसरे नॉन रेसिडेंट से सर्विस ले रहा है लेकिन वो सर्विस कहां यूज होने वाली है इंडिया में तो पेमेंट कोई भी कर सकता है वही तीन वर्ड वापस आ जाएंगे आपके केस में इनकम बाई वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस पेएबल बाय गवर्नमेंट अ पर्सन हु इज रेसिडेंट अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट फॉर अर्निंग एनी सोर्स इन इंडिया इन तीनों में से किसी भी तरह का पेमेंट हो सकता है यस प्रोवाइडेड नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉस शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी इनकम बाय फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज मेड बिफोर फर्स्ट अप्रैल 1976, आई थिंक अब आपको इसके पीछे की हिस्ट्री पता है 1976 से पहले भारत चाहता था कि न्यू टेक्नोलॉजीज आए न्यू पेटेंट्स आए इसी के लिए 1976 के पहले कोई अग्रीमेंट किया होगा और उन अग्रीमेंट के तहत आज भी एफ पेमेंट कर रहे होंगे पे भारत सरकार आज भी टैक्स लेता नहीं इन पे भारत सरकार आज भी टैक्स लेता नहीं गेटिंग इट नॉट चलिए साहब डन सर फॉर द पर्पज ऑफ फॉर गोइंग प्रोविजन एन अग्रीमेंट मेड ऑन आफ्टर सेल डी टू है प्रपोजल अप्रूव बाय गिफोर दैट डेट ये एक्सप्लेनेशन क्यों एड किया गया था अब हुआ यह था यह एक्सप्लेनेशन का आज कोई काम नहीं है बेरैक्ट में दिया है पर आप इसे कट कर सकते हैं बिल्कुल कट कर सकते हैं मैं आपको समझा देता हूं क्या पॉइंट है यह सर है ये ऐसा पॉइंट थी। लेकिन उस टाइम तक के ऐसा था कि कुछ अग्रीमेंट के क्या हो चुकी थी अग्रीमेंट ने पहले अप्रूव कर थे। लेकिन 1976 के वो अग्रीमेंट बने तो कई लोगों ने कहा कि सर देखिए गवर्नमेंट ने अप्रूव तो पहले कर दिए थे अग्रीमेंट सिर्फ नाइनटीन के बाद बने थे तो एक हमें बेनिफिट दीजिए जो अप्रूवल्स 1976 के पहले आ गई है उने भी आप एक्सम्ड कर दीजिए भारत सरकार ने बोला ओके एज ऑफ नाउ हम कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन पे हैं। अगर 1976 के पहले गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, किया बाहर कर देते हैं वही बात यहां लिखी हुई है फॉर द दिस फॉरगोइंग प्रोविजन एंड अग्रीमेंट मेड आफ्टर सेवन सिक्स शेल डीम टू बी मेड बिफोर नाइनटीन सेवनटी सिक्स इफ डेट ऑफ अग्रीमेंट इज मेड विद प्रपोजल अप्रूव बाय गवर्नमेंट बिफोर दैट डे अगर अप्रूवल पहले ही आ चुका अग्रीमेंट बाद में बना तो भी इनको छूट दे दी गई बोला ठीक है आप टैक्स से बाहर रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है गेटिंग और नॉट अच्छा एक्सप्लेनेशन टू क्या करता है साहब डिफाइन करता है एफ टी एस को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस क्या होगी यह डिफाइन करता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज एफ टी एस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस एफटीएस मीन एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग लमसम फॉर रेंडरिंग एनी मैनेजरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर कोई भी व्यक्ति मैनेजरियल टेक्निकल सर्विस देता है या कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है इस केस में इसे FTS माना जाएगा सो so, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी फॉरेन फॉरेन प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करती है अपने अकाउंटिंग एंड टैक्स प्लानिंग के लिए इन्हें जो पेमेंट कर रही है क्या इसे भी एफ टी एस कहा जाएगा यस इट इज अ कंसल्टेशन सर्विसेस Yes, it is a consultation services. Recent example देता हूं आपको संजय दत्त साहब को लॉकडाउन था आउट ऑफ इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा था एंड केस में वो यहीं पे क्या कर रहे थे ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे थे और पेमेंट ऑनलाइन हो रहा था पॉइंट टू बी नोटेड नॉन रेसिडेंट डॉक्टर को इंडिया से कंसल्टेशन सर्विसेज से पैसा मिल रहा था इज दिस अमाउंट कॉल्ड एज एफ टी एस आंसर इज येस दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज एफ टी एस दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज एफ टी एस हर एक एग्जाम्पल समझ में आ रहा है मालिक एंड इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन असेंबली माइनिंग और लाइव प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाई कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इसी के साथ साथ एक और बात समझनी होगी बट डज नॉट इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड अगर कोई पेमेंट कर रहे होंगे अंडर द हेड ऑफ सैलरीज अंडर ऑफ सैलरीज मतलब एम्प्लॉ को अगर कोई पेमेंट कर रहे होंगे वो एफटीएस नहीं माना जाएगा इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट सर्विस इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट सर्विस यस ऑनो एम्प्लॉय को पेमेंट एफटीएस नहीं माना जाएगा सो आइए एफ टी एस लिखिए एफ टी एस मीन्स पेमेंट फॉर Managerial Consultancy and Technical Services. However, FTS does not include. Payment in the nature of salary. FTS does not include payment in the nature of salary. If paid by government, resident, or non resident, to another non resident or foreign company, it is taxable to them in India. एवरीबडी डन चलिए मालिक अब एक बात समझना ध्यान से सुनना अब एक बात समझना यहां तक के सबको समझ में आया दिस वॉज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस दिस वॉज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और असेट्स सिचुएटेड इन इंडिया Again, a very simple point. Again, a very simple point. Income from property or assets situated in India. अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है अगर को एसेट में और उससे कोई इनकम आई वेदर कई लोगों की यहां है इंडियन सिटीजन ही ये लोग क्या करते थे इंडिया से बाहर कमाने के लिए चले गए आपके परिवार में से कई लोग हो सकते हैं जो इंडिया से बाहर कमाने के लिए चले गए अब इनका प्रॉपर्टी यहां पर खाली तो रहेगा नहीं ये क्या करते थे रेंट पे चढ़ा देते क्या करते हैं रेंट पे चढ़ा देते हैं अब ट इज अर्निंग अ इनकम आउट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया और असेट सिचुएटेड इन इंडिया ये रेंटल इनकम क्या इंडिया के अंदर में टैक्सेबल है आंसर इज यस ये इंडिया के अंदर में टैक्सेबल है भले ही पैसा उनको फॉरन अकाउंट के अंदर ही क्यों ना डिपॉजिट किया जा रहा हो बट दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया दैट अमाउंट विल भी टैक्सेबल इन इंडिया यस इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया अब एक और एग्जाम्पल को समझना अगर मान लीजिए किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया के अंदर में घर था एंड ही हैज नो इंटेंशन टू रिटर्न इंडिया वो क्या करेगा वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा सेल करके भी कोई इनकम आ रहा है भले ही कंसिडरेशन उसको आउटसाइड इंडिया क्यों ना मिला हो बट दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखता हूं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखता हूं आपको पता है दिलीप कुमार साहब राज कपूर साहब ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा है एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब की प्रॉपर्टी कुछ रावल पिंडी पाकिस्तान के अंदर में कहा है कुछ रावल पिंडी पाकिस्तान के अंदर में आपको आइडिया है इस बारे में न्यूज के बारे में अब हो क्या रहा था ये इनके जो प्रॉपर्टीज है यू नो ये पुश्तैनी प्रॉपर्टीज है और पाकिस्तान गवर्नमेंट चाह रहा है कि भैया इन्हें संजो के रखा जाए अब ये लोग इंडिया के रेसिडेंट है और फॉरेन के अंदर में प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी सेल के लिए आपको पता हो या नहीं पता हो 2.35 करोड़ रुपीस इन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अग्री किया है कि हम आपको इस का पे जो आने वाला है, उसे छोड़ देगा आंसर इज नो एट द सेम टाइम ये यहाँ के रेसिडेंट है तो इनको तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो गई इस केस में क्या होगा पाकिस्तान में जो टैक्स पे करेंगे उसका क्रेडिट भले हम यहां पे प्रोवाइड कर देंगे बट टैक्सेबिलिटी अराइज होती है ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोग अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सेल करते हैं अपनी आउट ऑफ एनीथिंग तो यहां पे जरूर इनको क्या लगेगा टैक्स लगेगा एस पर सेक्शन नाइन बिकॉज ये कैपिटल एसेट क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं इन इंडिया कैपिटल एसेट क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं इन इंडिया डन आते हैं टेंथ पॉइंट पे गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट इधर आओ रजिस्टर में रजिस्टर के बाद में एफ के नीचे लिखो सेवेंथ पॉइंट रजिस्टर में जाओ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया एट पॉइंट इनकम फ्रॉम कैपिटल असेट्स ट्रांसफर इन इंडिया इनके एग्जाम्पल लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कैपिटल गेन हेड आएगा वहां पे हम इसे लिखेंगे ही लिखेंगे डन सर चलिए नाइन्थ गिफ्ट बाय रेसिडेंट to नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अब इस बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा देखिए गिफ्ट के बारे में कुछ प्रोविजन मैं आपको अभी बता दूं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे फिर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है तो क्या यह गिफ्ट टैक्सेबल है पॉइंट इज गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार के ऊपर के होगा तो ये टैक्सेबल होगा फर्दर इसके अंदर में कुछ एक्सेप्शन भी है कि रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट है शादी पे मिला हुआ परिफ्ट एग्जाम अभी उन सब चीजों को बाजू करके हम बस इतना समझते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति से हमें गिफ्ट मिला तो ये गिफ्ट का वैल्यू अगर पचास हजार से ऊपर है तो ये गिफ्ट टैक्सेबल है इंडिया के अंदर में अब क्या हुआ कई प्रिपोजिशन किसके सामने आए डिपार्टमेंट के सामने आए जहां पे लॉ साइलेंट था और इस साइलेंस का लोग गलत फायदा उठा रहे थे ये सुनो लॉ कहां साइलेंट था अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया कुछ गिफ्ट कर देता है तो इस बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा था लॉ साइलेंट था कि क्या यह इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा क्योंकि रेसिडेंट दे रहा है नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट इन शॉर्ट अब तक के जितनी प्रोविजन थी वो क्या थी एक रेसिडेंट दूसरे रेसिडेंट को गिफ्ट कर रहा है इसके लेकिन क्या ब्लैक मनी इश्यू आते थे कैसे कोई व्यक्ति क्या करता था गिफ्ट लेता था नॉन रेसिडेंट को दे देता था उसका कोई रिलेटिव नॉन रेसिडेंट में नॉन रेसिडेंट होगा उसे दे, दे देता था और वो बाहर के बाहरी रूट होता रहता था इस बारे में कोई क्लैरिटी थी ही नहीं डिपार्टमेंट को कुछ केसेस में समझ में आया कि ये लोग हमें हाहा, बेवा बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 को अमेंड किया साथ साथ ही सेक्शन 56 को भी अमेंड किया कहा कि अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट करता है आउटसाइड इंडिया भी गिफ्ट किया गिफ्ट किससे मिला रेसिडेंट से यह मान लिया जाएगा इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और अगर यह पचास के ऊपर जाएगी तो इसका टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगा मतलब एक छोटा सा लूप होल था लूप होल को गवर्नमेंट ने पकड़ा और इस गवर्नमेंट ने इस लूप होल को पकड़ के टैक्सेबिलिटी में ला लिया और कह दिया अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट करता है आउटसाइड इंडिया भी नॉन रेसिडेंट हो सकता था बोले सर इनकम नॉट डीम टू इन इंडिया आप ये टैक्स नहीं कर सकते भारत गवर्नमेंट ने बोला ओ ऐसा कुछ नहीं हो सकता अब हमने सेक्शन नाइन में लिख दिया है बेटा तेरे को आउटसाइड इंडिया भी कोई गिफ्ट मिला काम खत्म हम इसे टैक्सेबल कर देंगे समझ में आया क्या मगज में आया क्या ये है वो प्रोविजन आइए इधर पढ़ते हैं एट देखिएगा इसे हम कहते हैं गिफ्ट एनी इनकम अराइजिंग राइजिंग आउटसाइड इंडिया एनी इनकम अराइजिंग राइजिंग आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी सम ऑफ मनी एनी सम ऑफ मनी रेफर ट्वीन टू ट्वेंटी फोर यह गिफ्ट होता है पेड आफ्टर फिफ्थ जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन बाई अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट नॉट बिंग अंपनी ऑल टू अन कंपनी सो सर यह हो गया वो नाइन पॉइंट कि अगर रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट किया आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट किया आउटसाइड इंडिया दैट अमाउंट वुड भी टैक्सेबल इन इंडिया डन नाइन सबसेक्शन टू को कट कर दीजिए नाइन सबसेक्शन टू को कट कर दीजिए अभी आपके काम का नहीं है सर नहीं है तो आपने दिया क्यों है बैराक लिखते वक्त ये पूरा लेना पड़ता है डन सर ओके अब वापस चलते हैं यहां सभी लोग पेज नंबर 2.9 पे आओ वापस 2.9 पे आओ आप देख सकते हैं हम सेक्शन पांच से सेक्शन में गए थे सेक्शन नौ हमें एक लिस्ट देता है कि कौन कौन सी इनकम इंडिया में राइज मानी जाएगी अगर वो इंडिया में राइज है तो वो कौन सी इनकम बन गई इंडियन इनकम इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल चाहे तुम आरओआर आर हो आर आर हो या एनआरओ लेकिन अगर आप इस दस की लिस्ट को गौर करेंगे अगर आप इस दस की लिस्ट को गौर करेंगे तो हमने पूरी लिस्ट को चालू ही टू से किया था टेन तक के. पर अभी सबसे बड़ा खिलाड़ी बाकी है अभी सबसे बड़ी चीज बाकी है बिजनेस कनेक्शन इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहूंगा इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहूंगा ठीक है अब जरा ध्यान से सुनना बिजनेस कनेक्शन कुछ इंटरनेशनल टैक्स के शब्द समझने होंगे तो यह पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा बीसी बिजनेस कनेक्शन इधर आ जाओ रजिस्टर के अंदर में टेंथ पॉइंट लिखो बिजनेस कनेक्शन बस ऐसा समझ लो ये लास्ट पॉइंट है पूरे रेसिडेंशियल स्टेटस का जो टेक्निकल हो सकता है

गंदे लोग यार तुम बहुत गंदे लोग बिजनेस कनेक्शन तुम्हें क्यों ऐसा ऐसे ऐसी चीजें आती कहां से तुम्हारे दिमाग में कौन लाता है मैं आपको बता रहा हूं तुमको ना जय सर ने दर्शन सर ने बिगाड़ दिया है बहुत बिगाड़ दिया है जब तक मेरे पास आते हो पूरे बिगड़े हुए होते हो चलो सुनो ध्यान से बिजनेस कनेक्शन ये कंसेप्ट आया क्यों ये कंसेप्ट आया कैसे इसके बारे में पूरी डिटेल आपको पहले समझनी होगी आपको फिर से थोड़ा सा सीए फाइनल के इंटरनेशनल टैक्स में लेके जा रहा हूं मुझे जाना पड़ेगा लेकर के देखिए इंटरनेशनली लिखना कुछ नहीं पहले समझना इंटरनेशनली लिखना कुछ नहीं आपको इंटरनेशनली अंडरस्टैंड अगर परमानेंट स्टेब्लिशमेंट है तो टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है इंटरनेशनली इस वर्ड को बीसी सी ना कहके पीई कहा जाता है जब हम इंटरनेशनल टैक्स पढ़ते हैं तो इसे बिजनेस कनेक्शन ना कह के परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है अब यह परमानेंट स्टैब्लिशमेंट क्या होता है इसे विस्तार में समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है ताकि बिजनेस कनेक्शन वर्ड क्यों आया आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए माइंड भी पांच मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा ना मालिक तो मेरे को बोलेगे भाई फुल रिस्पेक्ट ठीक है तुम फाइनल वाले बच्चों को भी समझा पाओगे इस बात की गारंटी मेरी बस पांच मिनट शांति से वीडियो को देखना इंटरनेशनली बिजनेस कनेक्शन वर्ड नहीं है इंटरनेशनल टैक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पीई वर्ड यूज होता है क्या वर्ड यूज होता है जल्दी से बोलो पीई वर्ड यूज होता है अब ये पी -E मतलब क्या होता है पी -E का मतलब होता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया ने ये वर्ड को अडॉप्ट नहीं किया इंडिया ने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को अडॉप्ट नहीं किया क्यों नहीं किया इसके कई रीजन है पर पहले समझते हैं ये पीई -E मतलब होता क्या है देखिए मान लीजिए अगर कोई फॉरेन कंपनी है फॉरेन कंपनी ने इंडिया के अंदर में इंडिया के अंदर में लेट से एक ब्रांच ओपन किया है या कोई ऑफिस ओपन किया है बराबर है या कोई यू नो कम्युनिकेशन यूनिट सेटअप किया है जहां से क्या हो रहा हो बिजनेस कंडक्ट हो रहा हो बिजनेस हो रहा हो या लेट से कोई आ, टेक्निकल यूनिट यहां पे बैठाया है जो इनकम जनरेट कर रहा हो फॉरेन कंपनी ने इंडिया में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अब, की में कहा जाता है कि इस फॉरेन कंपनी का पीई इंडिया में है फॉर एग्जाम्पल एडिडास का एक ब्रांच इंडिया के अंदर में है एडिडास का एक ब्रांच इंडिया में है

दर कंट्री इंडिया को ये राइट right मिल जाता है इंडिया को ये राइट right मिल जाता है कि जितनी इनकम यहां अर्न की गई है इसके ऊपर इंडिया टैक्स ले सकता है क्यों क्योंकि इनका परमानेंटैब्लिशमेंट इंडिया में है पॉइंट समझ में आया वापस एक बार समझ लो अगर किसी फॉरेन कंपनी का ब्रांच लेआउट ऑफिस कम्युनिकेशन ऑफिस टेक्निकल ऑफिस इंडिया में है जिससे वो इनकम अर्न कर रहा है तो इंटरनेशनल टैक्स के शब्दों में इसे क्या कहा जाता है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है और परमानेंट स्टैब्लिशमेंट अगर किसी भी कंपनी का है तो जिस कंट्री में ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उस कंट्री को ये राइट right होता है कि जितनी इनकम इस पीई e. से जनरेट हुई है इसके ऊपर टैक्स किया जाए ये तो एकदम सिंपल सी बात है अगर फॉरेन कंपनी इंडिया से इनकम कमाते जा रही है तो जितनी इनकम उन्हें इंडिया से कमाई है इसके ऊपर भारत सरकार का राइट बनता है कि वो टैक्स कलेक्ट करे यहां तक के पहले मुझे बताइए सबको पीई e. बड़े सिंपल शब्दों में समझा क्या तो आगे पढ़ के मतलब है नहीं तो नहीं पीई का कॉमन मीनिंग समझा क्या सबको हां यहां जल्दी से बताओ और मुझे जितने लोग देख रहे हैं सबका कमेंट चाहिए बराबर है सो कैन यू नेम एनी फाइव कंपनीज अगर आपको समझ गया है तो कैन यू नेम एनी फाइव कंपनीज जिसका पीई इंडिया में है कंपनी के नाम चाहिए जिसका पीई आपने देखा हो इंडिया के अंदर में जल्दी से पांच कंपनीज बताइए जिसका पीई इंडिया के अंदर में हो कौन सी है ऐसी पांच कंपनीज एमेजॉन गुड करेक्ट जवाब एमेजॉन इज वन करेक्ट आंसर एनी अदर कंपनीज मैकडोनल्ड्स बिल्कुल सही बर्गर काइन डोमिनोज फ्लिपकार्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड एल सोली रीबॉक के एफ सी एम आई एम आई बहुत बढ़िया हुडाई सुजुकी बिल्कुल सही फ्लिपकार्ट एच यूएल नाइक यानी आप देख लीजिए नेस्ले बिल्कुल सही जा रहे हो यानी आप देख लीजिए ये जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ इनका पी -E इंडिया में है, आपको नहीं लगता जितनी इनकम ये -E से कमा रहे परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बराबर अब बढ़ते हैं आगे अब बढ़ते हैं आगे सर परमानेंट स्टैब्लिशमेंट होने के कारण क्या फर्क पड़ता था इंडिया से जितनी इनकम कमाई इसके ऊपर टैक्स ले, ले लेते थे अब लोगों ने क्या टैक्स प्लानिंग करना शुरू किया ये समझो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता था परमानेंट स्टैब्लिश का मतलब ये होता था कि कोई ना कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए क्या होनी चाहिए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए अब लोगों ने क्या दिमाग लगाना चालू किया जैसे ही ये फॉरेन कंपनीज को समझ में आया कि कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है और वहां से बिजनेस करने पे जितनी इनकम आती है इस पे टैक्स लगेगा मान लो उस फॉरेन कंपनी के ओनर तुम हो और तुम्हें समझ में आ गया कि पुणे में अगर तुम्हारा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है तुम्हारा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है यहां से जितना इनकम अर्न करोगे इसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना है तो आप मुझे बताइए क्या टैक्स प्लानिंग करोगे आप मुझे बताइए क्या टैक्स प्लानिंग करोगे जल्दी से बताइए उसे वेरिएबल कर देंगे फिक्स नहीं कर देंगे बेटा आप कॉस्टिंग में नहीं है आप डायरेक्ट टैक्स में है वेरिएबल यहां पे क्या होता है आप मुझे समझाएंगे सर हम स्टोर रूम बना के फिक्स प्लेस रिप्लेस कर देंगे अरे भैया तुमने स्टोर रूम भी बना दिया तो वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया ब्रांच दिख जाएगी कैसी बातें कर रहे हो फिक्स प्लेस ही नहीं रखेंगे वंश ने सही जवाब दिया फिक्स प्लेस ही नहीं रखेंगे वंश कैसे कैसे प्लेस नहीं रखोगे, फिर धंधा करोगे? सोचो 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 तुम बहुत करीब हो लेकिन सही नहीं हो सर बार बार चेंज करते नहीं, देखो तुम बार बार भी चेंज करते रहोगे तो भी वो फिक्स प्लेस तो रहेगा ही हाँ एक जवाब मुक्ता ने सही दिया सर हम कंसाइनमेंट करेंगे मतलब तुम क्या अपॉइंट करोगे एजेंट अपॉइंट करोगे एवरीबॉडी मेरा खुद का फिक्स प्लेस ना हो के, मैं क्या करूंगा? एक एजेंट अपॉइंट एजेंट मेरे बिहाफ पे बेचेगा एजेंट मेरे बिहाफ पे बेचेगा यानी मेरा तो कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस हुआ ही नहीं अरे मेरे भाई स्टेट चेंज भी कर दिया तो तू रहेगा तो इंडिया में ही ना हा दूसरा आपने एकदम सही जवाब दिया कौन है बच्चा दूसरा एकदम सही जवाब दिया भरत ने एकदम सही जवाब दिया सर हम इलेक्ट्रॉनिकली बेचेंगे बहुत बढ़िया बहुत सही जवाब है क्यों क्योंकि इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं ना हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजेंगे कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है भी नहीं पर धंधा आएगा सही जा रहे हो आगे बढ़ो चेंजिंग द स्टेट एवरी अरे तू कोई भी स्टेट चेंज कर ले है तो तू इंडिया में ना ये गलत जवाब है डिजिटली करेंगे ये सही जवाब है फ्रेंचाइजी भी ठीक है फ्रेंचाइजी आ गया बेटा एजेंट के अंदर में बस नाम बदल दो आप बाकी तो सही है और क्या कर सकते हो और दिमाग लगाओ और क्या कर सकते हो कि धंधा भी हो पर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी ना हो क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है तुम बहुत सही जा रहे हो मतलब मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी इंटर का बच्चा इतना कर लेगा पर तुमने कर लिया मैं बहुत प्राउड हूं डॉट कॉम कंपनी की तरह काम करेंगे हो गया ना बेटा इलेक्ट्रॉनिकली ऐप के थ्रू हो गया इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट के थ्रू हो गया इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन डिलीवरी अरे तुम सभी इलेक्ट्रॉनिकली में कवर हो गए भाई साहब ये सब सर क्या हो सकता है और सर मेजरली ये दो ही थे मेजरली पकड़ लो ये दो ही थे अब समझो लोगों ने क्या करना चालू किया जैसे ही टैक्स प्लानिंग देखो और क्यों इंडिया में बिजनेस कनेक्शन वर्ड लाया पी नहीं लाया इसके पीछे का राज ही तुमने कह दिया हुआ क्या कि फॉरेन कंपनीज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या करती थी टैक्स करती थी फॉरेन कंपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टैक्स करती थी परमानेंट एस्टेब्लिश का मतलब यहां पे कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए था परमानेंट एस्टेब्लिश का मतलब कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए था अब फॉरेन कंपनीज भागते 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 किसके पास गई वो उन, उन साधुओं के पास गई जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं उनने कहा प्रभु पथ प्रदर्शित करो ये तो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस के टैक्स ठोक देंगे हमारे ऊपर उन साधुओं ने उन बच्चे बच्चियों ने कहा बेटा फिक्स प्लेस ही मत रख एजेंट के थ्रू वर्क कर एजेंट के थ्रू वर्क कर ऑनलाइन वर्क कर कई सालों तक कई सालों तक फॉरेन कंपनीज ने इसी तरीके से घुमाया वो कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रखते थे इंडिया में एक रेसिडेंट एजेंट अपॉइंट कर लेते थे जो उनको ऑर्डर लाके देता या उनके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करता उनको ऑर्डर लाके दे देता या उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक मेंटेन करता और बाद में डिलीवर करता या फिर उन लोगों ने ऑनलाइन वर्क करना चालू कर दिया अब प्रॉब्लम क्या था परमानेंट स्टैब वर्ड अगर रखते लॉ के अंदर में तो क्या होता हम इन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाते फिर भारत सरकार गई ओईसीडी के पास ओईसीडी में मंथन हुआ इस चीज के ऊपर सारी कंट्रीज ने बोला कि यार ऐसी कई कंपनीज है आपको अगर पता ना हो एप्पल फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट ये वो कंपनीज है जिनके ऊपर टैक्स केसेस लगे हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर में क्योंकि वो सेम टैक्स लूप होल को यूज करके करोड़ों का टैक्स बचा रही थी करोड़ों अरबों की इनकम कमा रहे थे लेकिन टैक्स नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ दिस टैक्स लूप होल भारत सरकार को ये लूप होल समझ में आ चुके थे पहले भारत सरकार ने बोला हमको पी चाहिए ही नहीं हम हमारे फैमिलियर वर्ल्ड जाएंगे बीसी हम हमारे फैमिलियर वर्ड पे जाएंगे बीसी हमको पी चाहिए ही नहीं हम हमारे फैमिलियर वर्ड पे जाएंगे बीसी और हम बिजनेस कनेक्शन नाम की चीज लाएंगे इससे हुआ क्या जो इंटरनेशनल लॉ में पी लिखा था वो वर्ड हट गया और हमने हमारा एक डेफिनेशन लेकर के आया बिजनेस कनेक्शन का जिसमें हमने फिक्स प्लेस तो रखा ही रखा हमने एजेंट और इलेक्ट्रॉनिकली भी कवर कर लिया हमने एजेंट और इलेक्ट्रॉनिकली भी कवर कर लिया और हमने हमारा सिमिलर कॉमन वर्ड जो बहुत फेमस है इंडिया के अंदर में बिजनेस कनेक्शन बीसी को अडॉप्ट कर लिया हालांकि भारत सरकार ने कुछ चीजें हालांकि भारत सरकार ने कुछ चीजें बिजनेस कनेक्शन के अंदर में कवर नहीं करी पर मैक्सिमम ऑफ द चीजें बिजनेस कनेक्शन के अंदर में कवर कर ली मैक्सिमम चीजें तो बिजनेस कनेक्शन के तीन पार्ट बने वॉट इज बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉट अ बिजनेस कनेक्शन तीन वर्ड बने व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉट अ बिजनेस कनेक्शन पहले इतना पार्ट बना हो रजिस्टर में आई होप आपको सबसे पहले तो रीजन समझ में आया कि क्यों हमने पीई ना लेके बीसी लिया तो सर इंडिया के अंदर में हमने वो वर्ड लिया जो भारत के कप्तान खेल के दौरान तक यूज कर ले इतना फैमिलियर वर्ड ले लिया हमने बिजनेस कनेक्शन ये सोनो बिजनेस कनेक्शन तो अब हुआ क्या ध्यान से तो सुनना हुआ क्या अब हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन आइए समझते हैं कहा लिखा है सर ये कहा लिखा है सर ये इधर आइए पेज नंबर नाइन पे देखिए अब इसको आपको एक एक करके हम ओपन करेंगे बिजनेस कनेक्शन को तीन पार्ट में तोड़ा गया बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉट अ बिजनेस कनेक्शन बिजनेस कनेक्शन को तीन पार्ट में तोड़ा गया व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इज दैट डन डन देखिए नाइन वन वन हमें बता रहा है बिजनेस कनेक्शन क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन वन हमें बता रहा है व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन एक्सप्लेनेशन टू बता रहा है मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन इधर आइए रजिस्टर में जाइए रजिस्टर, रजिस्टर में जाओ यहां लिखो एक्सप्लेनेशन टू नॉट अ बिजनेस कनेक्शन एक्सप्लेनेशन वन ठीक है अब हम सबसे पहले समझ में जा रहे हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन यहीं पे लिखना स्टार मार्क करके मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन एक्सप्लेनेशन टू सर ये इतने एक्सप्लेनेशन ये वो याद रखने की जरूरत है आंसर इज नो मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन रजिस्टर में जाओ मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन डन मालिक आओ तो जरा ध्यान से सुनना मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन पेज नंबर ट्वेल्व के ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर ट्वेल्व के ऊपर लिखा है मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है टू पेज नंबर ट्वेल्व के ऊपर बहुत ध्यान से पढ़ना बड़ा इजी है हर चीज के ऊपर एग्जांपल दूंगा पहले बैरैक पढ़ते हैं फिर उसको सिंप्लीफाई दूंगा फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरियड आउट थ्रू अ पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट हमने पहले ही वर्ड में एजेंट को भी कवर कर लिया वर्ड को ध्यान से देखना बिजनेस कनेक्शन शेल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में कोई पर्सन है हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट यह भी बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा एंड हैज हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया habitually exercise in india an authority to conclude the contract on behalf of non resident or habitually conclude the contract or plays a principal role leading to the conclusion of contract by non resident and the contract is in the name of non resident for transfer of ownership or granting of rights or for provision of services by non resident अगर इंडिया में कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे ऑपरेट कर रहा है वो कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कंक्लूड ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट या प्रिंसिपल रोल प्ले करता है हैबिचुअली हर बार करता है ऐसा नहीं एक बार कर रहा हैबिचुअली अगर वो यही काम करता है तो ही विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया अच्छा साहब point number 1 if a resident habitually conclude the contract on behalf of non resident or plays a principal role In conclusion of contract or plays a principal role in conclusion of contract. डन सर सो अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बिहाफ पे कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर एग्जांपल टाटा ऑन बिहाफ ऑफ जैगवार आपने देखा होगा जैगवार कार जितनी भी इंडिया के अंदर में सेल हो रही है जैगवार कार जितनी भी इंडिया के अंदर में सेल हो रही है ये कॉन्क्लूड कौन करता है टाटा कॉन्क्लूड करता है ऑन बिहाफ ऑफ जैगवार सो कैन आई से

जुबलियंट फूड ऑन बिहाफ ऑफ डोमिनोज आपने अगर डोमिनोज देखा होगा डोमिनोज देखा होगा तो डोमिनोज जो इंडिया में सर्व कर पा रहा है इंडिया में जो उनकी कंपनी है उसको कहा जाता है जुबलियां फूड जुबलियां फूड इज कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट वियर कॉन्ट्रैक्ट इज इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से होता है नॉन रेसिडेंट के नाम से होता है डोमिनोज के, के नाम से आपको सर्व किया जाता है बॉक्सेस आपको डोमिनोज में आते हैं बस वहां छोटा सा कहीं लिखा होता है इट इज बाय सर्व्ड फूड्स नाउ व्हाट इज दैट अब ऐसे केस में डोमिनोज इंडिया से जितना भी इनकम कर रहा होगा क्या उसे इंडिया में टैक्स देना होगा आंसर इज यस कौन कहता है सेक्शन नाइन कहता है कौन कहता है सेक्शन नाइन कहता है गेटिंग इट or नॉट मालिक चलिए दूसरे वर्ड को पढ़ते हैं वापस से आया मैं पेज नंबर ट्वेल्व पे हम बिजनेस कनेक्शन मानेंगे कब अगर कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है दूसरा पार्ट हैज नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया अ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम विच ही regularly डिलीवर द गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट आप कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं करते हो लेकिन आप उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक मेंटेन करते हो आप उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक मेंटेन करते हो और यहां से आप क्या करते हो उसको सप्लाई करते हो तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा पॉइंट नंबर टू Habitually maintain stock in India on behalf of non resident, for example, for example. Colgate India, Colgate USA. They maintain the stock and they deliver it. They maintain the stock and they deliver it. Is that done? For example, Alibaba. डॉट कॉम के बिहाफ पे ए टू जी एजेंसी डेली अली बाबा डॉट कॉम जैकमा की कंपनी आप सोचिए आप अली बाबा डॉट कॉम के ऊपर जाते हो कुछ कुछ बुक कर लेते हो कभी सोचा है कैसे तीन दिन में पॉसिबल है कोई गुड्स चाइना से इंडिया आ जाना पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है ऐसे केस में क्या होता है पता है अली इंडिया में एक स्टोर मेंटेन करता है किसी रेसिडेंट के यहां और सर्टन नंबर ऑफ गुड्स जो बहुत ज्यादा चलते हैं वो यहां पे रखता है जैसे उनके वेबसाइट पर ऑर्डर आता है ये ऑर्डर वो तुरंत इंडिया वाले को पास ऑन करता है और इंडिया वाला इसे यहीं के यहीं शिप करता है इसीलिए पॉसिबल होता हो पाता है कि विद इन थ्री टू फोर डेज चाइना से आप समझते हैं गुड्स आ रहे हैं पर वो इंडिया से आ रहे हैं मतलब इंडिया में कोई उनके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन कर रहा है हम ये मान लेंगे दैट इनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है एंड दैट वुड बी लाइबल टू टैक्स दैट वुड बी लाइबल टू टैक्स तीसरा पार्ट हम बिजनेस कनेक्शन मानेंगे कब या तो आप हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहे हैं उनके बिहाफ पे या तो उनके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तीसरा हेबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होल्ली फॉर नॉन रेसिडेंट सिक्योर द ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होल्ली फॉर नॉन रेसिडेंट और फॉर दैट नॉन रेसिडेंट एन अनादर नॉन रेसिडेंट

On behalf of non resident. Habitually secure the order on behalf of non resident. डन मालिक पॉइंट समझिए पॉइंट समझिए हैबिचुअली सिक्योर द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर हम ऑर्डर भी सिक्योर कर लेते हैं उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे तो यस हम मान लेंगे कि भैया आप उसका यहां पे बिजनेस कनेक्शन है छोटा और बेहतरीन एग्जाम्पल कभी सोचा है कि लेट से इस टाइम पे वैसे तो अभी इंटरनेशनल है और दो ही कंट्री चालू है दुबई एज वेल एज मालदीव्स चलिए मालदीव्स का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है मान लीजिए मान लीजिए किसी की नई नई शादी हुई और वो सोचता है कि भैया स्टिल तेरा भाई बाहर जाएगा हनी के साथ मून मनाएगा आई I मीन mean, हनी मून मनाएगा और वो मालदीव्स में मनाएगा ठीक है अब वो बेचारा पहली बार आउट ऑफ इंडिया जा रहा है वहां के होटल उसे पता है आंसर इज नो वहां के होटल उसे नहीं पता वहां की बुकिंग चीजें पता है नहीं पता अब इस केस में अगर उसे आउट ऑफ इंडिया जाना है वो सिंपली क्या करता है वो क्या करेगा आपको पता है मान लो मान लो मान लो मान लो ये कोई व्यक्ति है बराबर है अब ये कहा जाएगा मेक माई ट्रिप के ऊपर जाएगा मेक माई ट्रिप के ऊपर जाएगा कोई पैकेज सिलेक्ट करेगा वहां की कोई होटल देखेगा होटल यहीं से बुक कर लेगा सब यहीं से करेगा और मेक माई ट्रिप को यहां पे वो पेमेंट कर देगा किसके लिए नॉन रेसिडेंट होटल आउटसाइड इंडिया इसने क्या कर दी एक होटल को बुक कर दी कहां पे मालदीव्स के अंदर में अब पॉइंट समझना पॉइंट समझना यहां ऑर्डर किसने लिया रेसिडेंट ने लिया ऑर्डर किसने सिक्योर किया कि हाँ जब आप वहां पे जाओगे अपनी हनी के साथ मून पे वहाँ पे वहां जब आप जाओगे तो वहां पे आपको होटल, होटल सब बराबर मिलेगा सब 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 उधर प्रॉपर सारी चीजें होंगी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बस जाओ और एंजॉय करो इतनी अश्योरिटी आपको आज यहां पे कौन दे रहा है एक रेसिडेंट दे रहा है हु इज सिक्योरिंग एन ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट हु एंड ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट हम मान लेंगे कि इन दोनों के बीच में बिजनेस कनेक्शन है और जितना ये अर्न कर रहे हैं दे टू टैक्स इन इंडिया आपको है अगर हम परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नाम की चीज ले लेते ध्यान से सुनना बेटा अगर हम परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नाम की चीज ले लेते तो इस तरह की चीजें कभी टैक्स नहीं हो पाती आज आप देख रहे हो कि कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए वो अगर खुद यहां पर रहकर ऑपरेट कर रहे हैं तब तो हंड्रेड परसेंट कवर है वो अगर खुद यहां रह रहे हैं तब तो 100% परसेंट कवर है वो यहां पे रहके नहीं भी कर रहा और उनके बिहाफ पे कोई कर रहा है तो ये भी हम क्या मानेंगे बिजनेस कनेक्शन एज पर एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्री थिंग्स वुड बिजनेस कनेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट यस नो सो इफ एनी पर्सन इज कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट लेट्स टाटा ऑन बिहाफ ऑफ जैगवार राइट या यहां पे देख लीजिए आपको पार्क एवेन्यू का भी एग्जांपल मिल जाएगा जो बाद में कंपनी खरीद ली गई एक टाइम पे रेमंड पार्क एवेन्यू के लिए करती थी और बाद में ने पार्क एवेन्यू को खरीद लिया सो दे कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट और एनी पर्सन हुई मेंटेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेंटेन द स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट और एनी पर्सन हु सिक्योर द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट इसे हम बिजनेस कनेक्शन मानेंगे और नॉन रेसिडेंट को इस बिजनेस कनेक्शन से जितना पैसा मिला है भाई और बहनों इसे इंडिया में टैक्स करना होगा क्यों क्योंकि इंडियन इनकम बनेगा डीम टू अक्रू और टॉक्रोइ इन इंडिया माना जाएगा और डीम टू अक्रू और टोक्रोइज इन इंडिया हुआ मतलब ये इंडियन इनकम हुआ इंडियन इनकम सेक्शन पांच के हिसाब से टैक्सेबल टू ऑल सेक्शन पांच के हिसाब से टैक्सेबल टू ऑल इडेड दैट पेज नंबर ट्वेल्व पे वापस प्रोवाइडेड दैट सच बिजनेस कनेक्शन शेल नॉट इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिडउट थ्रू ब्रोकर कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैडेंट स्टेटस इफ सच ब्रोकर कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैडेंट स्टेटस इज एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मान लीजिए अगर ये हैबिचुअली नहीं है मतलब यह बार बार नहीं हो रहा और यह सिर्फ एक वन टाइम किया गया एक्टिविटी है ये सिर्फ एक वन टाइम किया गया एक्टिविटी है दैट मीन्स एजेंट इज ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली एंड इज नॉट हैबिचुअली डूइंग इट हैबिचुअली मतलब मल्टीपल कपल ऑफ टाइम्स आपको ये क्या होना चाहिए दिखना चाहिए दैट दिस इज द टाइप ऑफ अ ट्रांजेक्शन तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ सच ब्रोकर कमीशन एजेंट बिजनेस कनेक्शन शेल नॉट इंक्लूड ब्रोकर जनरल कमीशन एजेंट अदर एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड इज एक्टिंग इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर ये उनका ऑर्डनरी कोर्स है कोई भी आ जाए उनके लिए कर देंगे स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं कर रहे या बहुत बार नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं कर रहे सुबह काम खत्म इसे बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा इन शॉर्ट यह डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे यहीं पर लिखिए हाउ एवर इफ एजेंट Commission agent is, is working independently in ordinary course of business. It will not be a business connection. ज दैट डन चल भाई आ जाओ वापस से पेज नंबर ट्वेल्व पे फर्दर प्रोवाइडेड दैट वे आर सच ब्रोकर जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट वर्क मेनली और ओनली ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट और ऑन बिहाफ ऑफ सच नॉन रेसिडेंट एंड अदर नॉन रेसिडेंट विच आर कंट्रोल्ड बाय प्रिंसिपल नॉन रेसिडेंट

जब आप स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट के लिए वर्क कर रहे हो मतलब आप हैविचुअली नॉन रेसिडेंट के लिए वर्क कर रहे हो फिर इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं माना जाएगा और उस केस में बिजनेस कनेक्शन सेटअप हो जाएगा उस केस में बिजनेस कनेक्शन क्या हो जाएगा सेटअप हो जाएगा तो चलो बिजनेस कनेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया हमें बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड तीन चीजें पढ़नी थी आओ क्विक रिवाइज करते हैं बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड हमें तीन चीजें पढ़नी थी व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉट अ बिजनेस कनेक्शन हम सबसे पहले घुसे बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या होता है हमने पहले तो यह देखा कि इंडिया में हम पीई .E. नाम के वर्ड को यूज ना करके फैमिलियर वर्ड को यूज करते बीसी वॉट इज बीसी बीसी का तीन मतलब होता है एक अगर किसी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड किया तो हम मान लेंगे उस नॉन का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है दूसरा दूसरा अगर स्टॉक मेंटेन करते हैं इंडिया में उसके पे या उसके बिहार पे ऑर्डर सिक्योर करते हैं इन तीनों केसेस में हम मान लेंगे उसका बिजनेस कनेक्शन कहां है इंडिया में है और अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो इनकम डीम टू अक्रू अज इन इंडिया इनकम डीम टू अक्रू अक्रूअर इन इंडिया हुआ तो क्या हुआ इंडियन इनकम हो गई और इंडियन इनकम हुई तो क्या हुआन आर ओ एनआरओ तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा इन शॉर्ट उस नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स देना होगा डन ह यहां, यहां तक के सबको समझ में आया कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है इसी लेवल पे पूछे तुषार बेटा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखो उसमें सारी चीजें लिखी है एग्जाम्पल सही सबको समझ में आया सबने बिजनेस कनेक्शन रजिस्टर के अंदर में लिखा भैया लाइव तो तुम बहुत सारे हो लेकिन रिप्लाई सबका नहीं आ रहा ऐसा क्यों बाकी सब चालू करके सो गए क्या चलो सर ये क्योंकि कुछ ही लोग दिखते हैं जो जनरली रिप्लाई करते रहते हैं बाकी लोग सब सो जाते क्या मेरे को कभी कई, कई बार ये नहीं समझ में आता चलो प्रभु बहुत बढ़िया ठीक है जिसने रिप्लाई नहीं किया उसे अटेम्प्ट की कसम अब देख लो डन बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं मालिक वट इज बिजनेस कनेक्शन तो ठीक है ये समझ में आ गया हमें अब हमें जाना है डीम्ड बिजनेस कनेक्शन पे कहा जाना है बोलो बेटा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन पे जाना है क्या कहीं डीम्ड बिजनेस कनेक्शन लिखा है लिखा है ना साहब डीम्ड बिजनेस कनेक्शन एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेनेशन टू ए रजिस्टर में डीम्ड बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन एक्सप्लेनेशन टू ए Significant economic presence shall deem to be business connection. टस फोकस डीम्ड बिजनेस कनेक्शन एक्सप्लेनेशन टू ए टॉक्स अबाउट डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नाउ डू यू मीन ब डी वेन यूज लॉस इज वेन देर इज अग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेन देर इज अग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया देन वी विल अज्यूम दैट देर इज अजनेस कनेक्शन अब आप यह पूछेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया लिखा है एवरी थिंग पेज नंबर टू पॉइंट पेज नंबर टू पॉइंट थर्टीन सर एक सवाल है क्या सच में हमें इतना सब कुछ है सिलेबस में आपके मॉड्यूल आपके सामने है ओपन कीजिए देख लीजिए बहुत बड़ी बात थोड़ी ना पर हां इस बात की गारंटी देता हूं हर एक जन पढ़ाएगा नहीं जो फाइनल वाले टीचर होंगे वही इस पॉइंट को पढ़ा पाएंगे क्योंकि उसके लिए उतना बड़ा एक्सप्लेनेशन uh, लगता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि टीचर यह छुड़वा छुड़वाई देते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता टाइम लगेगा चलेगा पर पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो वाला हिसाब किताब रहेगा टाइम लगे चलेगा पूरा पढ़ेंगे ध्यान से सुनना सो पॉइंट इज डीम्ड बिजनेस कनेक्शन इफ A person has a significant economic presence in india page number 13 if a person has significant economic presence in india then we will deem that there is a you know there is a deemed business connection in india now you will say what do you mean by significant economic presence what is actually significant economic presence when we can assume that yes there is a significant economic presence Check

2019 में इस पॉइंट को एक्ट में ऐड किया गया था सो ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विसेस प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट विथ एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया इफ एग्रीगेट पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन Or transactions ड्यूरिंग the प्रीवियस ईयर एक्सीड सच अमाउंट as may बी प्रिस्क्राइब वापस इस लाइन को पढ़िए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब माना जाएगा पॉइंट नंबर वन इफ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स एनी सर्विसेज प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट विद अ पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया इफ एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब सर मुझे इतो सारे नहीं समझ में आया क्या लिखा है आपको समझ में आया तो बोलो आपको समझ में आया हो तो बोलो कैन एनी बडी प्लीज ट्रांसलेट इट फॉर मी की ये क्या लिखा है प्लीज ट्राई करो गलत होगा चलेगा सिर्फ ट्रांसलेट कर दो क्या लिखा है मेरे को इतो सारे नहीं समझ में आया क्या लिखा है तुम बोलते हो कई स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर हम सेल्फ में प्रिपेयर कर लेंगे मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बच्ची ने बहुत समझदार जवाब दिया और वो है क्षितिजा क्षितिजा ने एकदम सही जवाब दिया हो क्या रहा था जरा ध्यान से सुनिए हो ये रहा था कि रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखें रेसिडेंट अच्छा एक और ने कहा लर्न समथिंग न्यू कह रहे हैं रेसिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विथ सिटीजन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भैया तुम क्या कह रहे हो सर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ऐसा लिखा है सुनिए आइए मैं बताता हूं क्या है ये सर पॉइंट समझिएगा हुआ ये ठीक है अब अब आप कमेंट मत कीजिए ध्यान से सुनिएगा हुआ ये कि इंटरनेशनली टैक्स के अंदर में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वर्ड था लेकिन हम 2018 से अगर स्पेसिफिकली देखें इफ यू सी द ट्रांजेक्शन फ्रॉम टू Nineteen and twenty, people have started buying the things online. Be it anything, they have started buying it online. By two thousand and twenty, almost everything is there online. Almost everything is there and online. People are not going outside because of coronavirus or any other thing, and most of the thing, in fact, services, hair cutting services, you book online through an urban club, and they are doing the business online. Now, what is the problem? ये इंडिया में तो 2018 से आया लेकिन यह प्रॉब्लम 2010 से कई कंट्रीज झेल रही थी ध्यान से सुनना यूके यूएसए चाइना ऑस्ट्रेलिया ऐसी कई कंट्री ये आपको इतना डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि सीए फाइनल में वापस हम पढ़ाते हैं वो पॉइंट का लेवल आपको समझा रहा हूं यूके यूएसए चाइना ऑस्ट्रेलिया यहां डॉट कॉम बूम बहुत पहले ही आ चुका है बहुत से सेल डॉट कॉम के बेसिस पे होते हैं डॉट कॉम के बेसिस पे हो रहा है मतलब कहां से हो रहा है वेबसाइट से हो रहा है अगर वेबसाइट है तो देर इज नो पीई प्रॉब्लम समझिएगा देर इज नो पीई और यहीं पे यहीं पे बड़ी कंपनीज गेम खेल लेती थी यहीं पे बड़ी कंपनीज गेम खेल लेती थी सर कैसे गेम खेलती थी जितनी भी बड़ी कंपनीज देखें आप एप्पल माइक्रोसॉफ्ट एमेजन फ्लिपकार्ट अली बा डॉट कॉम सोन एंड सो फोर इन सभी के ऊपर टैक्स केसेस थे क्यों टैक्स केसेस थे आपको अगर पता हो या नहीं पता हो रिसेंटली परसों की न्यूज है एलॉन मस्क इज शिफ्टिंग फ्रॉम यूएसए टू टैक्स वो मेन सिटी न्यूयॉर्क से टेक्सस में शिफ्ट हो रहे हैं कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है टेक्सस के अंदर में पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं टैक्सस के अंदर में डाल के देखो टैक्सेस इन टैक्सेस टैक्सेस इन टैक्स आपको दिखेगा वहां पर सिर्फ सेल्स टैक्स है 6.25 और एलन मस्क एस ऑफ नाउ सेकेंड रिचेस्ट बिलियन है इनकम टैक्स बहुत ज्यादा होगा टैक्स में अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं क्या फायदा होगा साहब इसका टैक्स में अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो पर्सनल इनकम टैक्स अवॉइड हो जाएगा टैक्स प्लानिंग बॉस टैक्स प्लानिंग तुम इधर बैठ करके सोच रहे हो उधर कोई करोड़ों का टैक्स गैप कर रहा है तो हर बड़ी कंपनीज क्या कर रही थी टैक्स का इवेजन कर रही थी और ये इवेजन इवेजन नहीं टैक्स प्लानिंग था क्योंकि लॉ ने कभी भी परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के बेसिस पर टैक्स रखा था अब हो ये रहा था कि 2015 के अंदर में हम बोल के आ गए OECD के अंदर में कि ना हम टैक्स चोरी करेंगे ना भारत में ऐसा कानून खड़ा करेंगे कि कोई टैक्स चोर हो जाए यहां से इसके तहत ओके इसके तहत 2018 के अंदर में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लाया गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई अगर कोई वहां पर देखो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट वर्ड यूज नहीं किया है अगर कोई इंडिया में कोई नॉन रेसिडेंट है इंडिया के अंदर में गुड्स बेचता है सर्विसेज देता है प्रॉपर्टी देता है डाउनलोड ऑफ डेटा डाउनलोड ऑफ डेटा माइक्रोसॉफ्ट एप्पल कई एप्स आप बाय करते हो कई एप्स आप बाय करते हो जिसका पेमेंट किसको जाता है नॉन रेसिडेंट पबजी पबजी के अंदर में अलग अलग लेवल्स बाय की जाती थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेमेंट किसको जा रहा था नॉन रेसिडेंट को जा रहा था डाउनलोड ऑफ डेटा से इन सारे एक्टिविटी से आपने एक अमाउंट कमाई है जो इंडियन गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब अमाउंट से ऊपर है आपने एक अमाउंट कमाई है जो इंडियन गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब अमाउंट से ऊपर है तो हम मान लेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया से हो रहा है और आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है वैसे भी हम कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो रख नहीं रहे हैं अब इस केस में ना आपका कोई एजेंट है जो आपके बिहार पे कंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट आप तो डायरेक्ट वेबसाइट से दे रहे हो ना तो बिजनेस कनेक्शन वर्ड काफी नहीं था क्योंकि बिजनेस कनेक्शन में कोई एक व्यक्ति चाहिए था जो आपके पे कॉन्ट्रैक्ट करे कॉन्क्लूड को या फिर आपके पे स्टॉक मेंटेन करे या फिर आपके पे ऑर्डर सिक्योर करे यहां पर तो कोई पर्सन है ही नहीं ना वेबसाइट में आप डायरेक्टली जा रहे हो एमेजॉन में फ्लिपकार्ट में आप डायरेक्टली जा रहे हो बाय कर रहे हो और ले रहे हो यू आर डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम एमेजॉन और फ्लिपकार्ट दे आर डायरेक्टली प्रोवाइडिंग इट टू यू बिजनेस कनेक्शन को भी सरपास करने का चल रहा था भारत सरकार ने बूच लगा दिया भारत सरकार ने बोला देखो बिजनेस कनेक्शन बाजू करो हम एक नया कंसेप्ट ला रहे डीम्ड बिजनेस कनेक्शन इंडिया में अगर तुमने गुड्स बेचे एमेजॉन सर्विसेज दी सर्विसेज दी फॉरेन कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे एमएससी नाम की एक कंपनी है एमएससी वर्ल्ड के टॉप शिपिंग कंपनीज में से आती है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया में कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या आ, सारी चीजें लगेगी उसके सर्विसेज देती है या आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो नॉन रेसिडेंट प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं यहां पे या फिर डाउनलोड ऑफ डेटा से पैसा कमा रहे हो डाउनलोड ऑफ डेटा से पैसा कमा रहे हो सर कैसे होता है आप सॉफ्टवेयर बाय करते हो आज इंडिया के अंदर में सॉफ्टवेयर बाय किए जाते हैं इन सॉफ्टवेयर के लिए पैसा पे किया जाता है अगर ये एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर चला गया अगर ये एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर चला गया तो आपको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है यह माना जाएगा और आपको इंडिया में टैक्स देना होगा आपको इंडिया में टैक्स देना होगा क्या किया ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लाके बिजनेस कनेक्शन में हमें मैंडेटरीली एक पर्सन इंडिया में चाहिए था जो उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा हो लेकिन अगर कोई वेबसाइट डायरेक्टली ऑपरेट कर रही हो बिजनेस कनेक्शन इस डेफिनेशन के लिए पूरा नहीं था इसलिए एक नया डेफिनेशन लाया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कि अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक लिमिट के ऊपर जा रही हो गुड्स बेच के सर्विसेज देके प्रॉपर्टी देके या डाउनलोड ऑफ डेटा से तो हम मान लेंगे आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है और टैक्स कर देंगे अब आप यह पूछेंगे जो आपने पूछना चाहिए यह प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है पूछो ना इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक पूरा का पूरा अब ऐप के थ्रू पैसा कमा रहा हो कोई नॉन प्रेसिडेंट वेबसाइट के थ्रू पैसा कमा रहा हो कोई नॉन प्रेसिडेंट सब इधर आ गया अब पूछो ना सर प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है सर पूछो ना पूछ नहीं रहे हो मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ तुम प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं पूछ रहे हो मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ मैं जा रहा तुम सब लोगों नहीं पूछ रहे हो जान दो मैं नहीं आज मैं, तुम्हारा मूड नहीं लग रहा मेरे को आज आप लोगों का मूड नहीं है आप लोगों का मूड नहीं है तो बस खत्म फिर ऐसा नहीं हो सकता चलो एक काम करो तुम ढूंढ के आना प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है पूरा गूगल ओपन है तुम्हारे पास सब ओपन है तुम्हारे पास आज तुम्हारा मूड नहीं लग रहा चलो कोई बात नहीं तुम ढूंढ लेना प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है मैंने तुम्हें बता दिया ठीक है देखो ये नालायक पूछ रहा है किस चीज की लिमिट ढूंढना है ना लायक ये प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है ये ढूंढना है मूड है तुम लोग का सच में चलिए मैं अब बताता हूं तो हुआ ये ये जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाली चीज है ये 2017 में आई पूरी बात को ध्यान से सुनिए ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाली चीज 2017 में आई 2018 में इसे लॉ बना करके आपके बुक्स में इंक्लूड कर दिया गया पर भारत सरकार ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक है ये अब तक बताई नहीं हुआ ये कि 2018 सबसे पहले इसे लाने का जिगर रखा था अरुण जेटली साहब ने अरुण जेटली साहब ने बोला था कि भैया मैं ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कंसेप्ट इंडिया में लेके आऊंगा मतलब आऊंगा बराबर है तो 2018 में जब ये लॉ लेके आए सभी लोगों ने बोला कि इतना आसान नहीं है इतने जल्दी सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना प्लीज इसे डिले कीजिए डिले किया गया 2019 के अंदर में उनने कहा लॉ हम ऐसे ही रखेंगे प्रिस्क्राइब लिमिट 2019 में बताएंगे ठीक है सारे प्रोफेशनल्स वेट कर रहे थे 2019 ठीक है 2019 बजट से पहले वेट कर रहे थे वो आएगा वो आएगा वो आएगा वो प्रिस्क्राइब लिमिट देगा वो आएगा धूप बरसात आंधी सब जगह वो ठहरा था वो आएगा वो आएगा पर वो नहीं आया 2019 आते आते उन्होंने कहा प्लीज इसको 2021 पे शिफ्ट कीजिए अभी इंडिया का मैकेजम रेडी नहीं है कि इसे ट्रैक डाउन कर सके कि सच में कितने गुड्स कितना इनकम इंडिया से कमाया है सच में कितनी सर्विसेज इंडिया में दी है सच में कितना डाउनलोड ऑफ डेटा हुआ है अब तक हम इसे मेजर करने का हमारे पास कोई यू नो तरीका नहीं है तो प्लीज इसे दो पे डिले कीजिए दो फरवरी बजट सारे प्रोफेशनल यू you नो know, गर्मी बीती सर्दी आई सर्दियों के बाद ऐसे खड़े हो गए वेट कर रहे थे ओ आएगा ओ आएगा आएगा वो कोविड आ गया कोविड आ गया और कोविड आने के चक्कर में फिर इसे 2021 पे शिफ्ट कर दिया गया सर मतलब नहीं आया अभी तक सिर्फ इतना ही लॉ है अगर वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर चल जाए तो इसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानेंगे लेकिन वो प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है ये नहीं पता ये अब तक तो भारत सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया ये प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है ये अभी तक नहीं पता भारत सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया इसीलिए तो मैंने आपको दिल खोल के बोला कि जाओ जाके गूगल पर ढूंढो मिल लेनी वाला कहां से ढूंढोगे भारत सरकार ने बोलना तो चाहिए तो लॉ ला के रख लिया लेकिन ये लॉ अप्लाई कैसे होगा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अभी तक के वो मशीनरी नहीं है कि ढूंढ पाए एग्जैक्टली कितने गुड्स बेचे हैं मतलब इंडिया को सबसे पहले अपने तरीके से भी ढूंढना होगा कि एक्जैक्टली अमेजॉन ने इंडिया में कितना सेल किया है अमेजॉन जो डिक्लेरेशन देगा एमेजॉन बोलेगा मैंने सौ करोड़ का सेल किया है इंडिया में पर इंडियन गवर्नमेंट के पास भी तो कोई डेटा चाहिए ना कि हाँ सच में तुने इतना सेल किया है हमारे पास वो मशीनरी नहीं है जो चेक कर ले डाउनलोड ऑफ डेटा अब आप सोच के देखिए अब आप सोच के देखिए आप में से कितने ही बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने कई वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करके रखा होगा वहां से कितने ही डाउनलोड्स करते होंगे आप लोग आपने एक मेंबरशिप फीस पे कर दी होगी और आप डाउनलोड ऑफ डेटा कर रहे होंगे आपने मेंबरशिप फीस पे कर ली होगी और आप डाउनलोड ऑफ डेटा कर रहे होंगे अब आप तो रोज डाउनलोड ऑफ डेटा करे जा रहे हो एमबीज जीबीज डाउनलोड ऑफ डेटा हो रहा है फॉरेनर को इसका पैसा मिल रहा है लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है ना ढूंढने के लिए कि एग्जैक्टली exactly कितने जीबी डाउनलोड हुआ है कोई मैकेनिज्म है ये ढूंढने के लिए कि एग्जैक्टली exactly कितने जीबी डाउनलोड हुआ है नहीं है इसलिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है कानून को तो जो तुम महाभारत रामायण के वीडियो डाउनलोड कर रहे हो नेटफ्लिक्स से अमेजॉन से इसका अब तक कोई क्राइटेरिया नहीं पता चा... तुम क्या सोच रहे थे जो महाभारत और रामायण के तुम वीडियो डाउनलोड करे जा रहे हो ना या ये जो कंपनीज है नेटफ्लिक्स वगैरह इनके तुम वीडियोस तुम यही सोच रहे थे ना हंस क्यों रहे हो इतना खैर तो अब इंडिया के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इसलिए उन्होंने लिख दिया कि भैया इफ इट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट क्या लिख दिया जल्दी से बोलो इफ इट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट बड़े अन्द्य लोगो यार बाई गॉड छी अच्छा खासा टॉपिक चलता रहता है कुछ तो भी सोच लेते हो बीच में आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट आई सेड नॉट वट यू अंडरस्टूड यस चलिए तो सर इस पॉइंट को समझाने के लिए और टाइम लगेगा इनफैक्ट कल भी टाइम लगेगा वापस देखते हैं ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट विथ एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सर्विसेज डाउनलोड ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर If it exceeds the prescribed limit, not yet notified the prescribe limit. अब तक के प्रिस्क्राइब लिमिट इनने खुद ने नोटिफाई नहीं की है समझ रहा हूं सालो बड़े होशियार बन रहे हो हैं तो ये जो भी रामायण महाभारत की वीडियोस थी खैर आगे बढ़ाते हैं बी पार्ट कहता है सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इंट्रैक्शन विद नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोवाइडेड दैट द ट्रांजेक्शन एक्टिविटी अ बिजनेस इकोनॉमिक प्रेजेंस वेदर और नॉट द अग्रीमेंट इज एंटर्ड वेदर और नॉट द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और द नॉन रेसिडिंग आर सर्विस रेंडरिंग द सर्विसेज इन इंडिया दूसरा पार्ट कहता है सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इन इंटरैक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया यह किसके लिए पता है गूगल यूट्यूब टिकटॉक और ऐसे अन्य एप्स के लिए जो इंडिया में एक ऑपरेट कर रहे हैं टिकटॉक वो तो भगवान की दया थी कि टिकटॉक को मार्केट से हटा दिया लेकिन टिकटॉक बोलिए आप इंस्टाग्राम रील्स बोलिए आई होप अब तक आपने मेरे साथ इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया होगा इंस्टाग्राम रील्स बोलिए या ऐसे अन्य चीजें बोलिए अब इसमें क्या होता था कि बंदा कंटिन्यूस क्या है सोलिसिट कर रहा है एंगेज करके रख रहा है सोलिसिट करके रख रहा है मतलब एंगेज करके रख रहा है उसी तरीके से यूट्यूब नंबर ऑफ यूजर्स अगर इंडिया से एक एक्सक्रीड करते प्रिस्क्राइब लिमिट अगर आप देखिए यूट्यूब चैनल को तो भारत का टी सीरीज कभी इंडिया के नंबर वन पे होता है और वर्ल्ड के नंबर वन पे होता है या कभी वर्ल्ड के नंबर टू पे होता है ये सो नो दो लोगों के बीच में झगड़ा चलता रहता है प्यू और फाई टी सीरीज के बीच में कभी हम आगे होते हैं कभी वो आगे होता है बट वो ज्यादा दिन तक आगे रह नहीं सकता क्योंकि टी सीरीज चलाता है गाने एक गाना भी अगर हिट हो गया तो पब्लिक पुश हो जाती है तो ये तो बात सही है अब जरा समझना जरा ध्यान से सुनना ये सारे जितने भी एप्स है जो सॉलिसिट करते हैं आप यूट्यूब देखते रहते हो आपने कभी सोचा उसके बीच में अचानक से वर्क कैसे करता है, example, मान का है, का कोई है अब क्या करेगा आपको पता है यहां पे एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए यूट्यूबार्ट को पैसे देगा अगर वीमार्ट ने इसे मोनेटाइज किया होगा तो बराबर है अब यूट्यूब को पैसा कहां से मिलेगा जितनी भी कंपनीज है जो यूट्यूब के ऊपर अपने एडवर्टीजमेंट चला रही है वो यूट्यूब को पेमेंट देंगे अब यूट्यूब गूगल और ये जो ऐसे स्नैक uh, वीडियो you know, और हैपन, uh, जिनके ऊपर आप सब्सक्राइब करके पैसे दे रहे हैं अगर इनमें नंबर ऑफ यूजर इंडिया से एक लिमिट के ऊपर चले गए नंबर ऑफ यूजर क्योंकि इनके बेस में तो यूजर ही हुआ राइट right? सो नंबर ऑफ यूजर अगर एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर चले गए तो बस इसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में मान लिया जाएगा वही बात यहां लिखिए देखो सिस्टमैटिक एंड सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस आप लोग की एज के हिसाब से अगर बता दू या टेंडर बराबर है इसके ऊपर अगर आप लोग है तो आप क्या करोगे उसमें कंटिन्यूस राइट लेफ्ट स्वाइप करते रहोगे अप डाउन करते रहोगे नो द पॉइंट इज कई लोग इसके अंदर में प्रीमियम बाय करते हैं ठीक है उस को बाजू रखो पहले धंधे ध्यान दो आपने एक प्रीमियम बाई कर लिया आपने पेमेंट कर दिया ये पेमेंट किसको गया नॉन रेसिडेंट को गया इंडिया में उनका कोई बिजनेस कनेक्शन किसी तरीके से नहीं आ रहा बट इंडिया से अगर उस पर्टिकुलर ऐप पे नंबर ऑफ यूजर एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर चले गए यू आर कंटिन्यूसली सोलिसिटिंग क्लाइंट सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इन इंट्रैक्शन विथ नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया एज मे बी प्रिस्क्राइब अगर आप एक नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर एज मे प्रिस्क्राइब के ऊपर जाते हो तो यस देर इज अग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सिचुएटेड इन इंडिया यस और नो डन मालिक दैट्स इट इसे हमें फिर से कल पढ़ना होगा आज हम इसे लिख नहीं रहे हैं हम इसे फिर से कल पढ़ेंगे अब ला लीजिए आपकी क्वेरीज बताइए आपको सेक्शन ऑलमोस्ट सेक्शन नाइन खत्म होने पे आ रहा है बट फिर भी कल का भी पार्ट लगेगा हमें अब आपकी क्वेरीज बताइए एग्जाम्पल वगैरह समझ में आए प्रभु मजा आया आई होप अब तक के आप मुझे YouTube के ऊपर ज्वाइन कर चुके होंगे Telegram पे ज्वाइन कर चुके होंगे और Instagram पे ज्वाइन कर चुके होंगे मैं अगेन आपको बता रहा हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस वो आखिरी टॉपिक होगा जो हम यहां पे YouTube के ऊपर लेंगे एनी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी प्लीज बताइए रही बात ये बुक्स की तो बुक्स के ऊपर आज से हम लोग डिलीवर करना या इसे वेबसाइट के ऊपर डालना शुरू कर रहे हैं बुक्स देख लीजिए साहब बेहतरीन बुक्स है और मजा आएगा जो बेटा रिसेंटली जिनने ज्वाइन किया है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पहले से देखते हुए आइए पहले से पूरे वीडियो देखिए सर अगर कोई बिजनेस इंडिया में है लेकिन एक क्लाइंट आया फॉरेन से एंड बिजनेस का जीएसटी नहीं बना हुआ तो टैक्स लगेगा फॉरेन से क्लाइंट आया इसका जीएसटी नहीं बना हुआ से क्या संबंध है मेरे को समझा नहीं बेटा शेड्यूल ऑफ क्लासेस सेंसेबल बेटा हम लोग ये बारवा नंबर का लेक्चर है पार्ट बारह आप देख सकते हो इसके पहले ग्यारह पार्ट हुए डी के प्लीज वो देखते हुए आइए आपको पूरा शेड्यूल सारी चीजें समझ में आ जाएगी इसके अलावा अकाउंट्स कॉस्टिंग लॉ और डायरेक्ट टैक्स चालू भी चालू है सर सर क्या हम लाइव स्ट्रीम पे और ड्राइव दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या मी चेक ऐसा हो सकता है क्या ऑनेस्टली भी कल भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे पर हमें टेक्नोलॉजी वाइज सोल्यूशन नहीं मिल पाया इस पर सर आप अगर बुक भी बाय करते हैं तो जिस दिन से आप बाय करते हैं उसको छोड़ के अगले सात दिन का तो आपको वेट करना ही होगा सर रिजल्ट कब तक आएगा वेबसाइट आपको बता देगी बेटा इंस्टीट्यूट की चेक कर लीजिए सर आज टाइम का पता नहीं चला चलो बढ़िया पता नहीं जी कौन सा टाइम चलता है एनी बड़ी एल्स प्रभु सब्जेक्ट रिलेटेड भी कुछ पूछ लो बे सर डीटी के बुक में आईसीएआई के नए क्वेश्चंस इंक्लूडेड है क्या सर जैसा कि मैंने कहा हमने सब कुछ कंसिडर किया हुआ डोंट वरी सर लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं तो टैक्सेबल है कि नहीं इनकम इनकम टैक्सेबल ही है बेटा बस बिजनेस कनेक्शन कब सेटअप होगा उसके बारे में प्रिस्क्राइब लिमिट देना है आज भी इनकम जो इंडिया से जनरेट हो रही है वो टैक्सेबल ही है वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम के ऊपर जाइए विशाल वहां से आप क्लासेस बाय कर सकते हैं नॉन रेसिडेंट ने रेसिडेंट को गिफ्ट किया तब तो बाय डिफॉल्ट में टैक्सेबल हो गया ना सेट इंडिया में मिला 50,000 के ऊपर होगा टैक्सेबल होगा ये तो पहले भी था एनआर टू आर टू एनआर नहीं था एनआर टू आर तो हमेशा से था प्रिस्क्राइब लिमिट से जा... नहीं प्रिस्क्राइब लिमिट तो बेटा ये सेट करेगी कि तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन है टैक्स तो जितना तुमने कमाया उस पर ही लगेगा सर मे ट्वेंटी वन के लिए कितने अमेंडमेंट है वेदांत मेरे भाई पहले का बुक और इस बुक के अंदर का साइज डिफरेंस ही देख लेते को समझ में आ जाएगा यह बुक एक बड़ी बुक है डन सर So I think there is no subject related query spending. Bye Bolo cho